आइटम है इधर अंगूरी फिंगर और ये क्या है भाई रोल। इसको क्या बोलते स्प्रिंग रोल, पनीर मोमोज, पनीर रोल, स्प्रिंग रोल, सब आइटम है। फिंगर सब आइटम है भाई साहब। आजकल बहुत फेमस हो रहा है, जितने गांव क्षेत्र के लड़के हैं ना सब यही खाने आते हैं। हम लोग भी आदत ऐसी पड़ी, 3 दिन से डेली आ रहे हैं। नाम बता दो भाई अपना। कमलेश कुमार आयन फास्ट फूड। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आ चुके हैं फिर फटाफट अपन काम करने के लिए, तिवरा लगाते हैं बढ़िया से। और मम्मी आ चुके हैं, बता रहे हैं कौन कौन सी कमी है। सपोर्ट मतलब बांधेगा ना, बांध देवे। तो दोस्तों अब हमारी मम्मी हमारे नए घर में बनाएंगी रोटी, है ना मम्मी? यहाँ बनाई हो गजब बेइज्जती है। पनीर थी बने रोटी पनीर थी उगा दी, ठीक कहूँ कहूँ पनीर थी बना दियो। मम्मी कल जब छे ना तो मम्मी रहे ना, अब आई हैं ज्ञान बता रही हैं कि ये गमी है, ऐसे हुआ वैसे हुआ। कैसा बना है मम्मी? हगे वाला। क्यों मिसाल तैयारी किया जाए फटाफट। तो चले भैया पहले ब्रश व्रश कर लेते हैं क्योंकि अभी सुबह उठे थे ऐसे ही पड़े। गाड़ी का कवर ओवर कर, आंधी आई थी इतनी तेज कि आंधी में कवर उड़ गया, उड़ के मतलब गया नहीं, मिल चुका था उसको रख दिया अंदर। तो दोस्तों अपन खाएंगे अभी सुबह नाश्ते में केला, वो जो केला जिस पे केले के पेड़ काटे थे, कहाँ गए भैया? सब काले पड़ गए मम्मी, काले पड़ गए। इतने बच्चे कहा बाकी का भी? भाई साहब कुछ पक्के हुए एकदम मस्त वाले, कुछ पके हुए नहीं, फेंके बड़े बोकरी खा रहे हैं बोकरी। ये सब रखे हैं शिवानी के लिए, शिवानी आई है। क्या तारीख है मम्मी? 14-15 तारीख को शिवानी आएंगी, तब तक का बची है सड़ जाइए एकदम बन गया हलवा सड़ा, और भी सड़ा हलवा। वाह वाह देसी केला अपने पेड़ों का एक नंबर। सब टीन अपनी रख के एकदम कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हैं पूरी मस्त। अब क्या करना भाई? अब ये वाली माटी काट के यहाँ से चढ़ैया बनाना है, उसके बाद में वो वाला ईंटा अपना जो कि है करीब 250 के समथिंग, उसको यहाँ पूरा बिछा देना है, फिर अपनी गाड़ी यहीं खड़ी हो जाएगी, फिर काम कंप्लीट। तो भैया जी बनके तो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें एक हफ्ते से करीब मेहनत कर रहे हैं अपन। गाड़ी लेके चलते वहां खड़ी करके देखते हैं खड़ी हो जाती कि नहीं, चढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बस कवर हटाते हैं और लेके चलते हैं, चढ़ा के देखते हैं चढ़ रही है कि नहीं। कुछ बनके कंप्लीट हुआ भाई, चलो कवर हटवा लो। चले उतारा भी बढ़िया से बना दिया है, अब तो चढ़ आओ चाहिए साले यार। हमका पता ना, बढ़िया से उतारा बन चुका है ये भैया जी। वाह कई दिन बाद अपनी गाड़ी खोले आज, और गर्म बड़ी जगह ज्यादा है। जय भोलेनाथ। स्टार्ट हो चुकी अपन गाड़ी भाई, और लेके चलते हैं और वहां चढ़ा के चेक करते हैं बढ़िया से चढ़ रही नहीं, कोई दिक्कत होती फिर उसको काटते छाटते मतलब कंप्लीट करके आने जाने के लिए एकदम प्रॉपर बना देना एकदम।
भाई साहब अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है अपने स्थान तक। भाई साहब अपनी गाड़ी तो आ चुकी है, जहां लेके आना था वहां तक पहुंच चुकी। इतनी कुछ जगह आगे बची है, पूरी सटा के खड़ी कर देंगे। और पीछे भी मतलब ये माटी का ताजी माटी है ना एकदम, इसलिए टायर स्किट की, बाकी अगर पत्थर वत्थर लगा देंगे बढ़िया वो वाले अपने, तो भी स्किट करने वाला झंझट हो जाएगा खत्म। कोई दिक्कत नहीं, बारिश में हो सकता थोड़ी स्लिप करे, लेकिन अगर पत्थर लग जाएंगे फिर नहीं करेगी। तो बस इसको कंप्लीट कर लेते हैं पूरा, बाकी कंप्लीट है बढ़िया डन। ऊंचा भाई इसको डाउन करो पूरा बढ़िया से, बाकी एकदम तीन मिनट के एकदम कंप्लीट है परफेक्ट। भाई साहब समस्या ये आ रही है कि उधर पड़ी दीवार अगर फुल गाड़ी काट दे रहे ना, उधर दीवार में अड़ जा रही है, और इधर अपने जो लेफ्ट वाला साइड का चक्का है पीछे वाला उसमें हवा कम थी, इसलिए कटिंग बड़ी दिक्कत हो रही है। चलते हैं भैया हवा भरवा के लाते हैं, हवा कम का आते हैं, हमें लग रहा पंचर ही है वो, मतलब बहुत कम एकदम ना के बराबर है। पहले हवा भरवा लाते हैं, पंचर दिखवा लेते हैं, होगा तो बनवा लेते हैं। भाई अभी अपनी गाड़ी में एक पंचर हुआ था सिर्फ कानपुर में, और एक ये अभी तक स्टेपनी नहीं यूज किए हम। यार भैया पंचर जो कि पहली बार खुलने जा रहे हैं गाड़ी के टायर, और हमारे चश्मी चाचा बनाएंगे। हाँ चाचा, भाई साहब अभी तक खोले नहीं है, नई गाड़ी में वैसे ही बंधे पड़े हैं, चेक करते हैं भाई। पहली बार निकल रहा जैक बचा बच भाई, उठिएगा बस खोल लो, नट खोल लो निकाल लो। भाई साहब पंचर बन चुका है, हमारे चाचा भेरे दे रहे हैं लोडर में जो कि गाड़ी चला रहे हैं हमारे चाचा साहब, जो कि पंचर हमारी गाड़ी का बनाए हैं। अब इनको कहाँ जाना है पता नहीं, चलो चाचा। शाबाश, बस मुड़ा लो चाचा, ये पीछे कहूँ पेल दे हो तो समस्या आएगा वो भारी। कत्तो ना पी ली गाड़ी पे जाए तो सारी ड्राइवरी बेकार मुड़ा लेगा चाचा, चाचा मुड़ा लेगा गाड़ी पिल जाए तो ड्राइवरी बेकार। हमका पता तुम कहाँ जाइयो, ठेके तक जाइयो खाली, बस ठेके तक तुम्हारा लिमिट है क्या? आगे नहीं मुल्ला के थोड़ मस्जिद तक है, ये हमारे यहाँ कहावत है भैया, बुरा मत मानना को यार। पैसा नहीं ना अलग बात, फिर भाई नाटक, पैसा नहीं ना है भाई। 5 लाख रुपया भैया कमा के आए, कौने दिन काम आई है लाल भाई हमारे यहाँ खाता एकदम छत्तीसगढ़ के स्टाइल में, नमक तेल चावल, गरम चावल में डाला पानी, दिखा दिखा भाई, दिखा भाई अरे भाई पानी डाली पूरा, अरे भाई दिखा दिखा दोबारा, देख रहे हो भरा है, अरे भाई अच्छा ना, हम पानी भर दिन मम्मी, अरे पहली बार देख रहे हैं भाई साहब, हमारे घर में को खा था पानी ने, हम ओके गुड। भाई जी मम्मी जी अभी बना चुके हैं खाना, जो कि हम खाने जा रहे हैं चावल रोटी, इधर बनने सब्जी बनाए, और मम्मी खाना बनाते बनाते देखो कौन सा नाटक देख रहे हैं, किसी कहानी तुम्हें खाना पड़ सो। तो भैया जी खाना खाते हैं, खाना खा के आराम करते हैं, फिर अपन थोड़ा काम बचा और मतलब ईटा वीटा लगा दें, बस उसके बाद काम कंप्लीट है, फिर अपना देखते हैं गाड़ी पे जाने के। एक दोस्त है अपना साथ में जाने के लिए, है ना, वो साथ में जाने के लिए बोल रहा, तो देखते हैं उसको कब तैयार होता है, तो दोनों लोग हम लोग निकलते हैं। गाड़ी कंप्लीट है, गाड़ी कोई दिक्कत नहीं, अपने दोस्त तैयार हैं वहाँ पे, तो इस बार हम सोच रहे हैं गाड़ी आराम की पकड़े ना, मतलब जिसमें कि समय थोड़ा ज़्यादा हो, कि खाना बनाने का खाने का, और हो सकता थोड़ा वो सोने का मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं मिलता है तो चलेगा भाई, क्योंकि बहुत दिन बाद जा रहे हैं ना, 1 साल बाद, तो उसमें क्या होगा भाई, दिक्कतें ये है कि नींद आएगी रात में, अभी आदत है नहीं, 5-6-2-4 महीना हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो चलते हैं देखते हैं जैसा भी होता बताते हैं, फिलहाल अभी खाना वाना खा लेते हैं। भाई साहब समय हो चुका 3:30, और भैया जी आ चुके खाना वाना खा के आराम करके आ चुके फिर यहीं पे अपना काम करने के लिए। अभी देखो नहाए नहीं, कल मतलब कल नहाए थे और कल भी वही कपड़ा पहने, आज भी सोचते कंप्लीट हो जाए तो थोड़ा अपना काम दूसरा करें, तो वो जितने ईंटा है वो सारे यहाँ पे बिछाना है, और बाजा आपने देखा ना अभी मूड़न है शायद, कुछ तो था मूड़न मूड़न शादी वादी कुछ तो होगी, अभी बाजा वाला बैंड वाला क्या मजेदार बजा रहा था, तण 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 मजा आ गया भाई, वो भी एकदम मगन था,
और अपनी गाड़ी यहाँ से हटाते हैं, फिर यहाँ पे बिछाएं। अब भाई विशाल भी जा चुके हैं थोड़ा गेहूं काटने के लिए, और मम्मी भी घर पे है, वो भी जा रही है थोड़ा। तो इस चक्कर में हम ही को अकेले करना पड़ेगा, तो फटाफट करते हैं भाई। और भाई कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है, तो अपन अकेले ही मजा आएगा। आ चुके हम खेतों की तरफ, यहाँ पे चल रहा सेसर और यहीं पे विशाल कटिंग कर रहा, सेसरिंग करने आया भाई। वो पहली बार आए आज ये लोग, तो चल के देखते हैं कितने गेहूं काटे हैं, क्या किया है क्या नहीं। एक खेत तो कट गया शायद, वो सामने दिख रहा भाई। ट्रिंग तो बहुत देख लिए भैया, अब चलते हैं घर अपन। खड़ी का वहाँ म्यूजिक चल रहा था ना, इसलिए नहीं दिखाए, कॉपीराइट आ जाता भाई। तो अब चल रहे हैं, अपनी गाड़ी से आए थे, इसको साइड में निकाले थे इसलिए आए थे, तो इसको खड़ी करते हैं भैया। दोस्तों अभी करीब 5 बज चुके हैं और हालात देख सकते हैं क्या खराब हो गए भाई। जितने क्या थे ना सारे उठा के वहाँ से यहाँ लगा दिया, ये कुछ इतने हुए हैं, आगे यहाँ तक आ जाएंगे। मतलब जितने अपने गाड़ी के टायर रहेंगे ना, गाड़ी खड़ी करने के लिए हो गए पर्याप्त। इधर डाल देंगे माटी दोनों तरफ और गाड़ी अपनी खड़ी रहेगी ईंटों पे। तो मस्त हो चुका जुगाड़। ओ भाई साहब, अरे भैया बस इसी की व्यवस्था के लिए आज पूरा एक हफ्ता से परेशान है, सब बनाए यार किसी तरह जुगाड़, तो बस आज हो ही जाएगा फाइनल। भाई साहब अभी शाम हो चुकी मस्त वाली और अपना काम भी हो चुका एकदम मस्त वाला। ईंटे पे डाल दिया माटी, अभी समरसेबल से मार देंगे ना पूरा पानी, ये सब धुल जाएंगे एकदम साफ नजर आएंगे। विशाल भाई भी अपना आ चुका, देखो प्रॉपर तैयार कर दिया ना भाई। भाई साहब हम लोग अभी नहा धो के एकदम तैयार हो चुके, पर हम विशाल भाई भी नहा लिया करीब एक महीना बाद है ना भाई, कितने दिन बाद नहाए? ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से। मम्मी बताइए सही, मम्मी कितने दिन बाद नहाए बता दो। अरे बताओ मम्मी, मुने लुकाओ कितने दिन मानना है बताओ, तो बताओ बताओ मम्मी जल्दी बताओ, मैं समय ना बर्बाद करूँ, कितने दिन मानना है ईमानदारी से। भाई कम से कम 4 से 5 दिन बाद नहाए, तो हम लोग भी नहा एकदम कंप्लीट। अभी चल रहे हैं थोड़ा, हमारे यहाँ फिंगर वाला मशहूर हो रहा है, उसके यहाँ चलते फिंगर खाने के लिए, चलो खा के आते हैं। अरे इसे खड़ा खड़ा डालो, अरे रुको देखी तो काला लाग गया, पानी नीचे चला जाता, अरे लाओ इसे इसे ऐसे ही लागो, यह फूला हुई बस ठीक होगा, बस ठीक है। चोट लग गए पहले दिन से सेसरिंग करेगी, हाँ टूलना है हिसाब से करने का, कुछ भी करने का हिसाब से। चलो तो भाई साहब हम लोग अभी चल रहे अपने डिजायर से फिंगर खाने के लिए, क्यों मिसाल आ जा भैया बैठो और चलते हैं भैया फिंगर खा के आते हैं, क्योंकि काम कर करके हो चुके भैया आज बहुत ज्यादा परेशान। तो हम लोग आज जाएंगे अपना फिंगर खाने अपनी गाड़ी से, तो चलते हैं करीब करीब 5-5 रुपए के फिंगर खाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, अपना फिंगर वाला जो बहुत फेमस हो रहा, सब लोग फिंगर खा के जा रहे हैं ना भाई, हम लोग भी यही फिंगर खाते हैं अपना। भाई साहब हाँ भाई फिंगर दियो, ले लियो फिंगर, लियो रोल, लियो खा लियो। नहीं यहाँ यहाँ अंगूरी अंगूरी भाई साहब बहुत फेमस हो रहा फिंगर के लिए, हम लोग आते हैं भाई खाने के लिए। भाई 5-5 रुपए के 3 जगह फिंगर दे दो भाई, दे दो भाई, दो भाई फटाफट। सहचम है इधर अंगूरी फिंगर और ये क्या है भाई, रोल, क्या बोलते हैं स्प्रिंग रोल। भाई साहब पनीर मोमोज, पनीर रोल, पनीर मोमोज, पनीर रोल, स्प्रिंग रोल, सब आइटम है, फिंगर सब आइटम है। भाई साहब आजकल बहुत फेमस हो रहा है, जितने गांव क्षेत्र के लड़के हैं ना सब यहीं खाने आते हैं, हम लोग भी आदत ऐसी पड़ी 3 दिन से डेली आ रहे हैं, आज तो सीधा कारे से चले आए। नाम बता दो भाई अपना, कमलेश कुमार आयन फास्ट फूड। कितने बजे तक रहती है अपनी दुकान? ये 9 बजे तक, चमियाने में लगती है, 9 बजे दुकान रहती है भाई की। हम लोग भी ऐसे लेटे में आते हैं तब शांति रहती एकदम जबरदस्त वाली। लगाओ भाई हम तो फिंगर खाएंगे भाई, सबसे बढ़िया तुम्हारे फिंगर है, के फिंगर बनाते हैं। और सब सब खाली हो गया आइटम ना, सारा आइटम खाली है। मेन चीज थे आज गांव की बाजार है ना, बाजार के चक्कर में सब खत्म, बाजार की वजह से सब खाली हो गया भाई, ये सब फुल रहता भाई। अभी फिंगर फिंगर बचे हैं खाली और हम यही खाने आए थे भाई, हम लोग को दो और खाएं। ऐसा स्वाद बढ़िया मजा आ रहा। ये आ चुके भाई अपने फिंगर और हम लोग मजे से खाते हैं।
खत्म करते हैं भाई साहब। फिंगर विंगर खा के आ चुके घर, फिंगर खा के आ चुका मजा। और हमारी मम्मी फिंगर खाती नहीं तो उनके लिए लाए पानी वाला गपचुप गुपचुप पानी पूरी। और उधर साउथ में बोलते गुपचुप, हमारे यहाँ बोलते पानी वाले बताशा, और महाराष्ट्र में शायद बोलते पानी पूरी। तो ये सीन है, प्याज नहीं थी इसका भाई, प्याज दोस्तों। हम पानी पूरी का भी काम किए थे उधर साउथ में जाके, आंध्र प्रदेश में ये काम भी किए है करीब तीन, कितने महीने किए मम्मी? 4 महीने 8 महीना काम किया, हमें याद नहीं उस समय बहुत छोटे थे। तो अभी देख सकते मम्मी को खिला रहे हैं एकदम पानी पूरी, और मम्मी हमारे हाथों का पानी पूरी खा रही है, फिर भर के ही खिला रहे उसमें हम का बनाए। और ये अकेले लगा पड़ा है भाई ये लो, अरे नहीं खा पा रहे होगा मम्मी, रुको हम खवा लेते। बहुत ही स्वादिष्ट है भैया, और हमारे पिताजी देख सकते हैं। तुमका स्वाद मिली को ना पानी पूरी का? अरे स्वाद बहुत है मगर नमक कम है। अरे बिना खाए नमक कैसे बता दो भाई, भाई जादुई बिना खाए नमक बता दिया। अरे हम देख रहे हैं नमक भाग नहीं लगती है क्या नमक की? हमने खा पाया, खा के बताओ स्वाद कैसा है। आधा आधा करके खाना, स्वाद बहुत टाप गया है भाई। देखो अब हमें ऐसा लग रहा कि इनके साथ वीडियो बनाने के लिए पहले एक पौवा लाना पड़ेगा, इनको देना पड़ेगा तब वीडियो बनाओ। देख रहे भाई पूरा दिन हम लोग काम किए, कल भी किए, एक बार भी नहीं बोले पापा गायब है ना, बीच बीच में गायब। लेकिन अभी जब इनके पौवा लग जाता है उसके बाद में पूरी आवाज बाहर, इसीलिए वीडियो में बहुत कम आते, आते नहीं भाई। जब जब वीडियो बनाते ये नहीं आते हैं, और जब मारे रहते हैं तभी आ जाते हैं, हम करते यही कारण है भाई। देख रहे हो कैसे उसले पड़े हैं, झूठे पड़े हैं कारण। अरे भाई सब दो दिन तो दोस्तों आज का ब्लॉग अपना ऐसा ही कुछ रहा। हमारा भाई कमेंट, वैसे आज हो सकता नहीं डालते, लेकिन कल एक हमारा भाई कमेंट किया है कल वाले वीडियो में, करा मोहित भाई जब तक हो डेली ब्लॉग डालते रहो। मतलब बहुत से लोग बोलते रहते डेली डालते रहो, हम भी सोचते हैं पर हो नहीं पाते, पर कोशिश करेंगे ठीक है। बाकी ट्रक पे जाते हैं तो हम डेली ब्लॉग बना लेते, यहाँ नहीं बना पाते भाई, डीरा पोली हो ही जाती है। तो भैया जी आज का ब्लॉग इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।